हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं स्वरूप सर एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। छात्रगण, जैसा कि हमारा चैप्टर जारी है, आपको जेपीएससी प्लेम्स पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान में एक चैप्टर पढ़ना है। झारखंड का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, उसी कड़ी में हमने एक टॉपिक पर चर्चा किया था कि सिपाही विद्रोह और झारखंड का उस विद्रोह के दौरान किए गए आंदोलन। उस क्रम में हमने देखा था कि जब 10 मई 1957 को यूपी के मेरठ से जब विद्रोह का आरंभ हुआ, तो यहां पर भी रोहिणी ग्राम में, देवघर के रोहिणी ग्राम में घुड़सवार सेना और थल सेना के रेजिमेंटों ने भी विद्रोह का साथ दिया, उस विद्रोह का समर्थन किया और इनके द्वारा, इन विद्रोहियों के द्वारा नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई। विद्रोह वहां से आरंभ हुआ और वह आरंभ जब हुआ तो पूरे झारखंड में इसका फैलाव हुआ, चाहे वो रामगढ़ हो, रांची हो, संथाल परगना हो, हजारीबाग हो, चाहे चतरा हो, चाहे सिंहभूम का क्षेत्र हो, सभी जगहों में कोई ना कोई विद्रोह आरंभ किए। जैसे जयमंगल पांडे, नादिर अली, टिकैत उमराव सिंह, राजा ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव, माधव राव, इसके अलावा पंचायत के राजा, इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर इत्यादि ने मिलकर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों पर विद्रोह किया। यद्यपि विद्रोह हुआ और यह विद्रोह कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान में सफल रहा, यद्यपि इनके विद्रोह को दबा दिया गया। छात्रगण, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अबुल कलाम का झारखंड से संबंध और उन तीनों का झारखंड से क्या संबंध रहा, उनका क्या रोल रहा झारखंड के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान में, इन तीनों का क्या योगदान रहा, उसकी चर्चा करेंगे। तो छात्रगण, आपका हेडिंग होगा गांधी, कलाम और टैगोर का झारखंड से संबंध। गांधी, कलाम और टैगोर का झारखंड से संबंध, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी का झारखंड की धरती पर पहली बार, महात्मा गांधी का झारखंड की धरती पर पहली बार 4 जून 1917 को, 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे, रांची आए थे और उनके साथ श्री ब्रज किशोर बाबू भी थे, और उनके साथ श्री ब्रज किशोर बाबू भी थे। इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी एवं उनके दो पुत्र, एवं उनके दो पुत्र देवदास और रामदास गांधी का आगमन भी
आगमन भी झारखंड में हुआ था, झारखंड में हुआ था, झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इस दौरान गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। झारखंड में रहे थे और यहीं रहकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का रूपरेखा और यहीं रहकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का रूपरेखा तैयार की थी रूपरेखा तैयार की थी यह तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का रांची ठहराव के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गैटे से गांधी जी की मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, उनके आगमन का ही परिणाम था कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का साथ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग दीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद का झारखंड से संबंध। और यहां लिखिए फर्स्ट पॉइंट, अभी तक मैंने बताया कि गांधी जी का झारखंड से संबंध, और हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का झारखंड से संबंध। चलिए फर्स्ट पॉइंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में अंग्रेजों ने उन्हें कोलकाता से लाकर 1916 में रांची में नजरबंद कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में मौलाना अबुल कलाम आजाद को
मुरादाबादी, रांची के मुरादाबादी में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मौलाना अबुल कलाम को झारखंड में 1916 से 1919 तक, मौलाना अबुल कलाम को या मौलाना आजाद को झारखंड में 1916 से 1919 तक नजरबंद रखा गया। इस दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1916 से 1919 तक नजरबंद रखा गया। इस दौरान अबुल कलाम ने रांची में दो शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। जिसे अंजुमन इस्लामिया और अंजुमन मदरसा, जिसे अंजुमन इस्लामिया और अंजुमन मदरसा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रांची में अबुल कलाम अपने प्रवास के दौरान अपने दो समाचार पत्र, दो टू न्यूज़पेपर, रांची में अबुल कलाम अपने प्रवास के दौरान अपने दो समाचार पत्रों अल हिलाल अल बिलाग, अल हिलाल अल हिलाल और अल बिलाग, अल हिलाल और अल बिलाग, अल हिलाल और अल बिलाग के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार प्रसार किया था। अल हिलाल और अल बिलाग समाचार पत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार प्रसार किया था। बाद में उन्होंने अपना अल बिलाग बाद में उन्होंने अपना अल बिलाग समाचार पत्र प्रेस को बेचकर बाद में उन्होंने अपना अल बिलाग समाचार पत्र प्रेस को बेचकर इसकी रकम उन्होंने मदरसा में लगा दी। लगा दी थी। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम की रचना की। नेक्स्ट, टैगोर का, वही रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड से संबंध।
नेक्स्ट पॉइंट हेयरिंग होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड से संबंध। संबंध इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि जिसे नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था, जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला था, उसके कुछ अध्यायों की रचना टैगोर ने उसके कुछ अध्यायों की रचना टैगोर ने रांची में की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, रांची में टैगोर की प्रवास की याद में टैगोर हिल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि जिसको 1913 में नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला था, यह ना केवल प्रथम भारतीय बल्कि प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसी में इस पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक इस पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी चित्रण किया गया है। इस पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग दीजिए असहयोग आंदोलन और झारखंड का योगदान। असहयोग आंदोलन और झारखंड का योगदान, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और झारखंड का योगदान।
देखिए फर्स्ट पॉइंट, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में एक अगस्त 1920 को, एक अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पूरे भारतवर्ष में एक अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। की थी। इस दौरान गांधी जी के कुछ प्रसिद्ध कथन थे। इस दौरान गांधी जी के कुछ प्रसिद्ध कथन थे, जैसे एक वर्ष में स्वराज्य, एक वर्ष में स्वराज्य कौन दीजिए, हिंदू मुस्लिम की जय इत्यादि, हिंदू मुस्लिम की जय इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 1920 कोलकाता के विशेष अधिवेशन में, सितंबर 1920 कोलकाता के विशेष अधिवेशन, सितंबर 1920 कोलकाता के विशेष अधिवेशन जिसमें असहयोग का प्रस्ताव आया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया, जिसकी पुष्टि नागपुर के वार्षिक अधिवेशन 1920, जिसकी पुष्टि नागपुर के वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिवेशन में छोटा नागपुर के लिए नारा दिया गया, इस अधिवेशन में छोटा नागपुर के लिए नारा दिया, कपास बोवो चरखा चलाओ, कपास बोवो चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आजाद हो जाएगा। इसमें या इस अधिवेशन में छोटा नागपुर के लिए नारा दिया गया, कपास बोवो चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आजाद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय स्तर पर, गांधी जी ने संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग असहयोग आंदोलन में किया था।
आंदोलन में किया था। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी 1920-21 में रांची आए थे। क्योंकि रांची आंदोलन का मुख्य केंद्र था। और यहां रांची में वे भीमराव बंसीधर मोदी धर्मशाला और यहां रांची में गांधी जी भीमराव बंसीधर धर्मशाला में ठहरे थे। नेक्स्ट पॉइंट छात्रगण, मैंने एक पॉइंट लिखा दिया आपको कि गांधी जी अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। छात्रगण यहां उत्तर हो यहां होगा, गांधी जी पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर स्वराज्य का सत्याग्रह का प्रयोग तो 17 में हो चुकी थी चंपारण में, तो यहां उत्तर होगा जो आप लिखे हैं सत्याग्रह वहां कीजिएगा आप लोग स्वराज। गांधी जी भारतीय स्तर पर पहली बार स्वराज का प्रयोग असहयोग आंदोलन के दौरान किया था, ना कि सत्याग्रह का। वहां काट के आप लोग सत्याग्रह को काट कर स्वराज कर देंगे। ओके छात्रगण, नेक्स्ट पॉइंट, इसी धर्मशाला मतलब वही भीमराव बंसीधर धर्मशाला, इसी धर्मशाला के सामने इंग्लैंड के लंकाशायर एवं मैनचेस्टर से बने वस्त्रों की होलिका जलाई गई थी। और लोगों के द्वारा खादी पहनने का संकल्प लिया गया था लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन की कड़ी में ही, अच्छा लिखिएगा, झारखंड में असहयोग आंदोलन की कड़ी में ही बिहार स्टूडेंट्स फेडरेशन की 15वीं बैठक दस अक्टूबर 1920 को सी एफ एंड्रूज, जिसे बोलते हैं दीनबंधु, असहयोग आंदोलन की अगली कड़ी में बिहार स्टूडेंट्स फेडरेशन की 15वीं बैठक 10 अक्टूबर 1920 को सी एफ एंड्रूज दैट मीन्स दीनबंधु की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में बैठक हुई।
नेक्स्ट पॉइंट, इस बैठक में डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक बनाए गए। बनाए गए इसके अलावा रांची, गिरिडीह, लोहरदगा, इसके अलावा रांची, गिरिडीह, लोहरदगा, झरिया, चतरा में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। छात्रगण, हमारा चैप्टर जारी है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का योगदान। उस कड़ी में हमने पहले देखा 1857 का विद्रोह और झारखंड, फिर हम लोगों ने देखा कि गांधी, टैगोर और अबुल कलाम आजाद का झारखंड से संबंध। उसी कड़ी में हम अभी देख रहे हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, और झारखंड जब पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान झारखंड में उस संदर्भ में कौन कौन सी घटना घटी, इसी संदर्भ की हम बात कर रहे हैं। छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में इसी असहयोग आंदोलन की अगली कड़ी में हाजिर लेकर होंगे। ओके, थैंक यू।